हरियाणा में लव जिहाद को लेकर सरकार गंभीर है और गृह मंत्री अनिल विज ने जो आदेश पुलिस को दिए हैं उसे देखकर लगता है कि अब लव जिहाद जैसी वारदातों को अंजाम दे चुके और देने वालों की खैर नहीं है। नितिका हत्याकांड और रेवाड़ी लव जिहाद को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। लगातार लव जिहाद पर कानून बनाने की उठ रही मांगों को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। गृह मंत्री पहले भी इसे लेकर अपना पक्ष साफ कर चुके हैं, लेकिन अब गृह मंत्री अनिल विज का जो बयान सामने आया है वो ऐसा कृत्य करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। मैंने DGP को कहा है कि जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा में इस टाइप के यानी धर्म परिवर्तन करके किसी ने शादी कराई हो या किसी ने गैर धर्म में शादी करके बाद में धर्म परिवर्तन कराया हो, ऐसे जितने भी मामले हैं उनको सामने लाया गया। हरियाणा में अब पुलिस हरियाणा बनने की शुरुआत से लेकर अब तक के लव जिहाद के मामलों का खाका तैयार करेगी। इस बात के आदेश सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने DGP हरियाणा को दे दिए हैं। अनिल विज ने कहा कि लव जिहाद का मामला बेहद गंभीर है और इसके ऊपर कानून बनना बेहद जरूरी होता जा रहा है। इसीलिए DGP को कहा है कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक इस तरह के धर्म परिवर्तन करके शादी करवाने या शादी करके बाद में धर्म परिवर्तन करवाया हो, ऐसे सभी मामलों को सामने लेकर आया जाए। लव जिहाद बहुत गंभीर होता जा रहा है, बहुत मामले दिन प्रतिदिन इसके संज्ञान में आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई ना कोई कानून बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसके लिए तैयारी करने के लिए मैंने DGP को कहा है कि जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा में इस टाइप के यानी धर्म परिवर्तन करके किसी ने शादी कराई हो या किसी ने गैर धर्म में शादी करके बाद में धर्म परिवर्तन कराया हो, ऐसे जितने भी मामले हैं उनको सामने लाया गया। वहीं पानीपत में हुए ऐसे अटैक के आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। इसे लेकर भी अनिल विज ने साफ कर दिया कि आरोपियों पर 1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है और वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। नहीं, उसमें बहुत तफ्तीश हो रही है और उसमें अभी 1,00,000 रुपया इनाम भी रखा है कि जो बताएगा। जो क्लिपिंग आई है वीडियो की वो साफ नहीं है, उससे पता नहीं लग रहा है कि कौन व्यक्ति है। वो युवती को भी दिखाई गई है, उसके हस्बैंड को भी दिखाई गई है, लेकिन वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हरियाणा BJP के प्रदेश अध्यक्ष ने भी लव जिहाद को लेकर अपना कड़ा रुख जाहिर किया था। तोमर इस विषय की पहली बलिदानी है, पर निकिता तोमर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसकी माँ ने मुझे कहा कि मेरी बेटी वर्षों तक लड़ती रही इन अपराधियों के खिलाफ, उसने समर्पण नहीं किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी तो चली गई और बेटियां नहीं जानी चाहिए। कुल मिलाकर सरकार के सख्त तेवरों से साफ है कि लव जिहाद जैसे बढ़ते मामलों को लेकर सरकार बेहद सख्त है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हरियाणा में लव जिहाद जैसे गंभीर अपराध को लेकर कानून की शक्ल दे दी जाएगी।